नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बाद से उठा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिवनी मालवा में बजरंग दल की ओर से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर कांग्रेस की नीति का विरोध जताया गया। सिवनी मालवा के राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक 5001 हनुमान चालीसा पाठ कर अपना विरोध व्यक्त किया है। वहीं बजरंग दल नेता शिव राठौर ने बताया कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा की है। कांग्रेस हिंदू समाज को एक तरफा टारगेट करने का काम कर रही है और बजरंग दल को बदनाम करने का काम भी कर रही है। वहीं बता दें कि बजरंग दल आज तक किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में नहीं पाया गया है, परंतु इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं द्वारा हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की तुलना PFI से की गई है, जो कि पूर्णतः गलत है। समस्त हिंदूवादी संगठन इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं बजरंग दल सदैव देश के हित में कार्य करता आया है।